हरदोई के कलेक्ट्रेट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक को महिलाओं समेत लोगों ने पकड़ लिया और चप्पलों से जमकर पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल महिलाओं व लोगों से कछौना कोतवाली क्षेत्र के झब्बू खेड़ा निवासी राम खिलावन वर्मा ने ब्लॉकों में कोऑर्डिनेटर की नौकरी लगवाने और सैलरी के नाम पर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और उनसे 50,000 रुपए के लिए। इसके बाद लखनऊ के एक संस्था के फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। नियुक्ति पत्र देने के समय कहा भी था कि पैसे के आधार पर जल्द ही उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन ना नौकरी मिली ना पैसे मिले। लोग जब उसके घर जाते वह भाग जाता। आखिर गुरुवार को उसे कलेक्ट्रेट में भर लिया गया तो फिर जमकर पिटाई हुई। विनीत, सावित्री, धर्म सिंह, मुरारी, रजनीश, दानश्री आदि इसकी ठगी का शिकार होकर परेशान थे। उसका नाम है जो बेचारे बेरोजगार लड़कों को नौकरी के नाम पर गुमराह करके उनसे 50,000 रुपए की ठगी की। और ये 6 महीना पहले पुलिस अधीक्षक महोदय, लेकिन उस कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसने किसी को बीच में डाल के ये कहा कि हमें 15 दिन के बाद पैसे दे देंगे, लेकिन आज 1 साल होने को आ रहा है, ना इसने अपने सारे कॉन्टेक्ट बदल दिए और ना ही पैसा दिया, और उल्टा गुंडई पर सवार है, कह रहा कि हम तुम लोग के खिलाफ FIR करवा देंगे। तो आज उसी प्रकरण में जब बहुत दिनों के बाद फंसा तो उसको पकड़ के उसे कहा गया, जब वो धक्का देने लगा, हाथ पाँव चला रहा था, मारने पर आमादा हो गया तो उसकी पिटाई करी गई। यहाँ पर उसने बताया कि एक जगदीश बाबू हैं, वो हमारे अकाउंटेंट हैं यहाँ कप्तान साहब के कार्यालय में, वो हमारे भाई हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी भी उसने हमें मोबाइल पर बहुत सारी गालियाँ दी और कहा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं जगदीश के पास में, और तुम्हारी दम हो तो तुम यहाँ आ जाओ कप्तान साहब के ऑफिस में। और झूठा नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद आशिफ की रिपोर्ट।